हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आरपीएफ एंसिलरी ट्रेड्समैन 2090 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट का कहना था कि सर मेरे मार्क्स मेरे को चेक करना है, मेरे को बहुत से सवाल पूछने हैं, मेरे को जवाब कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों इसी के चलते हमने आईटीआई लगाया था आप लोगों का। तो इसी क्रम में दोस्तों दो तीन ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है ऑलरेडी, उनके नाम मैंने बता दिए हैं और वीडियो भी उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक और आरटीआई का रिप्लाई आया था, मैं उसको बताने वाला हूं आखिरकार कैसा क्या मिला उस भाई को नंबर। एंड इसके साथ साथ आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि आप लोगों की कौन कौन के आरटीआई बाकायदा फिलअप हो गए हैं और सक्सेसफुल हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्या यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों प्लीज वीडियो पसंद आ रही हो तो आप भी लाइक कर दें, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं हर एक डिटेल्स को। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं उन कैंडिडेट के नाम बताने वाला हूँ जिनका आरटीआई का रिप्लाई तो ऑलरेडी आ गया है। जैसे कि यहाँ पर पुलक मंडल जी, इनका रिप्लाई ऑलरेडी आ गया, मैंने बता भी दिया है। और यहाँ पर जितेंद्र कुमार सैनी, इनका भी ऑलरेडी आ ही चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कैंडिडेट इनके पहले से ऑलरेडी आईटीआई लगे हुए थे और दोबारा से लगवाया था तो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तो उनका रिप्लाई कैसे आएगा, है ना। यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी, अरविंद कुमार। तो दोस्तों अरविंद कुमार जी का रिप्लाई आ गया है, आज मैं उन्हीं को बताने वाला हूँ। हालांकि इनका रिप्लाई दो दिन पहले आया था बट टाइम ना मिलने के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका, है ना। तो इनका रिप्लाई बताने वाला हूँ। और बात करूँ एक और पर्सन है जी दोस्तों, आज ही राघवीर करके क्या नाम है उनका, उनका यहाँ पर पेमेंट कट गया था बट वो डिटेल्स नहीं भर पाए थे, तो मैंने एक और डुप्लीकेट लिंक दी है, उनने वहाँ पर डिटेल्स भर दी है, तो बाकायदा उनका भी आरटीआई लग चुका है। मैं सभी को बता दूँ जिन जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर डिटेल्स डाली थी उनके ऑलरेडी आरटीआई फिलअप हो गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं। ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं है जिसने पेमेंट करने के बाद अपनी डिटेल्स दी हो और उसका आरटीआई ना लगा हो। तो आप लोग निष्फिक्र हो जाइए, आप लोगों के आरटीआई बाकायदा लगा दिए गए हैं, आप सिर्फ उनके रिप्लाई का वेट करिए और जान लीजिए कि आपके मार्क्स कितने मिले हैं आपको। एंड इसके साथ साथ हर एक चीज, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स, आपके टीटी के मार्क्स, आपके सीबीटी के मार्क्स, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई थी वगैरह वगैरह, आपकी ज्वाइनिंग कब है, आप हर एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि बहुत से कैंडिडेट ने बोला था तो मैंने क्वेश्चंस वगैरह भेजे हैं, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि डियर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और यहाँ पर जैसे कि हमने लगाया था योर आईटीआई रिक्वेस्ट फिल सक्सेसफुली, ओके। यहाँ पर नाम था किसका, अरविंद कुमार जी का। यहाँ तक कि मेरे को याद है इस पर्सन, इस भाई का तो एडमिट कार्ड था बट उसमें उनका रोल नंबर वगैरह गुम हो गया था, एडमिट कार्ड मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था मेरे को। लेकिन दोस्तों आपका रिप्लाई रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पर भी आ गया, ओके। आपको यहाँ पर बहुत लकी पर्सन हो कि आपका रोल नंबर भी नहीं था, उसके बाद भी आपका नामांकन के बेस पर ही यहाँ पर रिप्लाई आ गया। बाकायदा आपने जो जो पूछा था आपने 25 तारीख में लगाया था और आपका 1 तारीख को रिप्लाई आ गया था। चूंकि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया इसके लिए सॉरी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपका रिप्लाई। हाँ तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्होंने एक्सेल लिया रहा जो चेक किए हैं 26/6/2020, मतलब कि एक दिन बाद ही। जैसे कि अरविंद ने 25 तारीख को आरटीआई फिल किया था, देन इसके बाद इनका 26 तारीख को चेक हुआ रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टू अरविंद कुमार ग्राम, यहाँ पर जो कुछ भी दिया है इनका, यहाँ से जो बिलोंग करते थे। और आप यहाँ पे सब्जेक्ट में देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन सूट आउट अंडर आरटीआई एक्ट 2005। एंड यहाँ पे संदर्भ में आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर जिनका जनरेट हुआ था। अब दोस्तों मेनली पॉइंट क्या है कि इनका क्वेश्चंस क्या रहा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विद रेफरेंस टू योर रिक्वेस्ट मेड थ्रू आरटीआई एक्ट 2005 बाय योर एप्लीकेशन अंडर रेफरेंस द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड हियर अंडर। हाँ तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे अरविंद के द्वारा, यहाँ पर दो ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट कि इनका जो रो मार्क्स है वो कितना है, यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स भी पूछ गया था, और इनका टोटल मार्क्स। तो इनके दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर इनको मिल गए हैं। आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एज पर रिकॉर्ड योर रो मार्क्स वाज 26.33 एंड नॉर्मलाइज मार्क्स वाज
27.65, मतलब कि आपका जो रो मार्क्स है या फिर हम कह सकते हैं सीबीटी का मार्क्स है वो कितना है 26.33, और इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 इंक्रीज हुआ है 27.65, मतलब कहने का 27.65। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर इनका पूछा गया एज पर रिकॉर्ड यूआईटी टेस्ट मार्क्स वाज यहाँ पे 24, मतलब इनका जो टेटेक्स मार्क्स आया था टीटी में जो मार्क्स आया था वो है 24। तो आप यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा 27 प्लस यहाँ पे 24, आपका जितना भी मार्क्स आ रहा है जो हो जाएगा आपका कितना टोटल मार्क्स। और आप चेक करने के बाद आपका जो जोन है आपका जो ग्रुप है उसमें जाइए और आपकी जो कैटेगरी है वहां पर मैच करिए कि आपका कट ऑफ से मार्क्स ज्यादा जा रहा है या फिर कम जा रहा है। यदि आपको लगता है कि कट ऑफ से आपका ज्यादा मार्क्स जा रहा है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप एक्शन ले सकते हैं, वरना आप यहीं पर संतुष्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि बहुत से कैंडिडेट के मन में रहता है कि सर मेरा पेपर भी इतना अच्छा गया था, मेरा टेस्ट भी क्वालिफाई हो गया था, बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों आप यहां पर नोट में अपना क्वेश्चन यह भी रख सकते हैं कि सर मेरा पीएचटी पीईटी टेटेस्ट हर एक चीज क्वालिफाई हुआ था तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। वो रीजन भी बताते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई थी वगैरह वगैरह। और दोस्तों आप लोग इतनी मेहनत करते हो, इतना पेपर देते हो, टेस्ट देते हो, अपनी साल अपना पैसा बर्बाद करते हो, तो इतना हक आपका बनता है कि आखिरकार मेरे मार्क्स कम रह गए थे, क्या मिस्टेक रह गई थी, जानना बनता है कि मेरे मार्क्स मिले तो कितने। यदि आपके मार्क्स कम आए थे तो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं आपकी, हाँ इस बार मेरे मार्क्स कम रह गए थे, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छी तैयारी करूंगा और नेक्स्ट एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। बट आपको क्या नॉलेज ही नहीं रहता कि मेरे मार्क्स की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया, क्या हो गया आपको पता ही नहीं रहता। तो दोस्तों इसलिए आरटीआई एक्ट बना है, आप बेहद अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को रखकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको लगता है कि सर मेरे को भी मेरे मार्क्स चेक करना है, मेरे को भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लिंक होगी, लिंक पर आप क्लिक करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको एक फॉर्म शो होगा, वहां पर अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दीजिए। ओके, बाय चांस यदि आप इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं कर पाते एक डुप्लीकेट लिंक क्रिएट की है, जिन लोगों का पेमेंट हो जाता है उन्हीं लोगों का वहां पर एक्सेप्ट किया जाता है, तो आप वहां पर डायरेक्टली जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था किसका आरटीआई रिप्लाई, ये तो था अरविंद कुमार का आरटीआई रिप्लाई जो कि मैंने आपको बताया है। इन्होंने ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, जितने पूछे थे उनको बाकायदा उसका आंसर मिला है। तो फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा, यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करते जाएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, और यदि आपके मन में कोई डाउट से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछिए। और हाँ जी फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा क्या कि यदि आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि हिंदी पूछी जाती है, फॉर एग्जांपल के लिए एमपीएसआई, एमपी जलपहरी, या फिर आप यूपीएसआई, या फिर आप बिहार एसआई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें जो हिंदी पूछी जाती है उसकी क्लासेज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चैनल का नाम है क्या, स्टडी हेल्प जी। दोस्तों आप लोग उस चैनल पर विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करें, हमको आपके सपोर्ट की आवश्यकता है जी फैंस, इतना अवश्य करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। तो दोस्तों आपको बता दें, जैसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहां पर आपको लिंक मिलेगी स्टडी हेल्प यूट्यूब चैनल, मतलब कि स्टडी हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे और इसको सब्सक्राइब कर देना। फैंस बाई चांस यदि आपको हिंदी मतलब अभी आपको आवश्यकता नहीं, फिर भी आप सपोर्ट के लिए प्लीज 1000 का टारगेट जो हमने रखा है उसको कंप्लीट करा दीजिए ताकि हम यहाँ पर जल्द से जल्द क्लासेस कंटिन्यू कर सकें। आपके हेल्प की आवश्यकता है, प्लीज सपोर्ट जरूर करें। और दोस्तों रही बात पढ़ाने की, तो यहाँ पर हमारी जो प्लानिंग चल रही है, यदि आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो दोस्तों आपको डिटेल्स में पूरी क्लासेस लाएंगे। और यदि आप चाहते हो कि सर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस कराइए, तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हम कराएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट देखने को मिलेगा, आप लोगों का क्वेश्चंस रहेगा, उसके चार विकल्प रहेंगे, आपको उसमें से फाइंड करना रहेगा। दोस्तों हमारी फैकल्टी के द्वारा यहाँ पर सारे के सारे नोट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट कराए गए हैं जी। दोस्तों यदि आप इनको लगा लेते हैं तो बाइक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ हिंदी पूछी जाती हो, आपका हिंदी का एक सिंगल क्वेश्चन भी इन सभी से बाहर नहीं जाएगा। आपकी पूरी ग्रामर इसमें कंप्लीट है, चाहे फिर आपका वर्णमाला हो, आपके उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, आपके विलोम शब्द हो, आपका कुछ भी
दोस्तों हिंदी से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाने वाला, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ओके, और यदि आप लोग डिमांड करेंगे कि करंट अफेयर्स स्टार्ट करो तो करंट अफेयर्स भी स्टार्ट किया जाएगा, बट आप लोगों की डिमांड के ऊपर सब कुछ रहेगा। तो फ्रेंड्स बस यही सब बोलना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।